Garedi. Yeah. This is K. Hussain Naqvi. This is Sanjeev Chaturvedi, the lyricist. And this is Sanjeev Darjan, our young composers. So, today we are making the film of Nandi film, which Hussain Ji is making. And it's a very interesting film. Normally, the film was made 50 years ago, people lived 100 years ago. उन्होंने एक फर्क किया, उस पर फिल्म बना दी। आज की फिल्म में पर्सन का है जो एक पोस्टमैन का बेटा होकर वहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट बना और वहाँ से लेकर वो आज एक कैबिनेट मिनिस्टर है। ही होल्ड्स अ पोर्टफोलियो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। मतलब आम आदमी के लिए इससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल कुछ नहीं हो सकता है। आई थिंक आई शुड हैंड इट ओवर टू द डायरेक्टर नाउ। ही इज ऑल्सो फ्रॉम इलाहाबाद एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाई स्टोरी इट इज ब्रिंगिंग इट टू अस सर। Okay, Hussain sir, what the first thought came in your mind when you thought about you know, making this film? कि इस शख्सियत पे फिल्म बननी चाहिए, वो पहला आपके जहन में कब ख्याल आया? Actually मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ और वहाँ पे मैंने इनकी काफ़ी चर्चा सुनी थी कि ये बचपन से लेकर के एक पोस्ट मास्टर के बेटे हैं, ये पोस्टमैन के बेटे हैं ये, और इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया हुआ है और आज ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो मैं इनके पास गया और इनके पास जा कर के बोला कि अगर मैं आप पे फिल्म करूं तो क्या आप रेडी हैं? तो उन्होंने बोला हाँ मैं रेडी हूं, आप कर सकते हैं। तो उन्होंने मतलब रेडी हो गए और मैं स्क्रिप्ट कर लूँ। मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में बहुत ही ट्विस्ट है। एक तो बचपन से लेकर स्ट्रगल करना और एक इंडस्ट्रीज बनना आज, और उसके बाद में उसके बीच में उनका एक लव स्टोरी कि एक पंडित की लड़की जिनका नाम अभिलाषा गुप्ता है, उनकी एक लव स्टोरी इनके साथ में, और दोनों की जो कास्ट है वो अलग है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट को करना चाहिए और मैं इस सब्जेक्ट की तैयारी करने लग गया और मैं सब्जेक्ट करके और उसके बाद में मैं अभी सेट पे जाना चाह रहा हूँ। ओके हुसैन साहब, आप सेट पे जाना चाह रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कामनाएं आपको। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, स्टार कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर फिल्म की। स्टार कास्ट आपने यू नो बहुत एक यू नो बहुत कामयाब जर्नी रही है, और जिस मिनिस्टर साहब की आप बात कर रहे हैं उसके लिए आपने किसको चुना है, और उनकी लेडी इंटरेस्ट जो उनको यू नो लव इंटरेस्ट रहेंगी वो कौन निभाते नजर आएगा? एक्चुअली क्या है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ और मुझे भी इंडस्ट्री में इतना साल हो गया, मुझे तो लगता है कि सब्जेक्ट बहुत ही मेन चीज़ है। फिल्म की मेन चीज़ सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट अच्छा है तो उसमें अगर कोई भी आर्टिस्ट रोल करेगा तो वो निकल जाएगा, उसमें कोई शब्द के ऐसी बात नहीं है कि जो कि गलत हो। और सब्जेक्ट बहुत अच्छा है इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई भी करेगा तो अच्छा। लेकिन मैं फिर भी बिग स्टार्स लेकर के कर रहा हूँ और आर्टिस्ट सब बड़े हैं मेरे, बिग स्टार्स हैं। अभी नाम मैं ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ, फिर भी ये समझिए कि इंडस्ट्री के अच्छे बड़े आर्टिस्ट हैं। ओके नकवी साहब, सेकंड उसमें हम आपको बता देंगे। ओके नकवी साहब, जिस तरह का मुद्दा आप उठा रहे हैं क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी है और जिस तरह के माहौल इस वक्त देश में है और चल रहे हैं, हम सब जानते हैं अभिलाषा गुप्ता और यू नो एक अलग मिनिस्टर अलग धर्म से आते हैं, कहीं आपको लगता है कि विवाद भी पीछे आ जाएंगे? जबकि आप चाहते ना हो, लेकिन एक फिल्म मेकर इज ऑलवेज अ सॉफ्ट टारगेट इन पॉलिटिकल सिनेरियो। नहीं, विवाद तो काफ़ी आया था जब मतलब उस वक्त पे जब इनकी लव स्टोरी थी, इन लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो उस वक्त तो विवाद तो हुआ था। लेकिन बात ये हो गई कि दोनों में कम्प्रोमाइज़ हो गया, दोनों आपस में उनके घर वालों में, और उन लोगों ने एक समाज से करके शादी कर ली और अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे थे। और आज वो इस वक्त पॉलिटिक्स में इतने टॉप लेवल पर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं आज बीजेपी में, योगी सरकार में है वो। तो मतलब बीजेपी में है तो क्या करना अलाउड है? प्यार तो कोई भी कर सकता है। प्यार तो जब वो बेचारा जब उस वक्त यंग था तो उसने प्यार किया था, उसको नहीं पता था कि मैं कल बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊंगा या कि मैं मायावती सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊंगा या मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रीज बन जाऊंगा। वो तो एक प्यार था, वो तो उनका दिल था, उन्होंने एक दूसरे से प्यार किया। बचपन में छोटे से स्कूल में पढ़ते थे और एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे इलाहाबाद सिटी में, मेडिकल कॉलेज में ये लोग लिफ्ट में जा कर के खेलते थे तो बोलते थे चलो झूले पे झूलते हैं। तो वहाँ पे 10-12 साल के थे इन लोग, चार लड़के थे, वो जा करके एक स्कूटर खड़ी थी वेस्पा और उसमें गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, वो लेकर के
ले गए और उसके बाद कुछ दिन तीन दिन हो गए चार दिन वो डरने लगे कि अब छोड़ने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो उसके पार्ट पार्ट कर करके उन्होंने एक इसको कहते हैं जो खरीदते हैं उनके पास बेच दिया कबाड़ी। तो ये इनका निगेटिव है। अब आप इसको जो बचपना समझिए या कुछ भी समझिए, लेकिन ये भी मैं स्क्रिप्ट में है मेरे। जी देखिए क्या होता है, इनकी कई फिल्में मैंने गाने सुने हैं, इतने इन्होंने फिल्में दी हैं, तो मुझे लगा संजीव और दर्शन होने चाहिए, तो इसलिए मैं इनको ही लिया। मुझे अच्छा लगता है इनके गाने, इनके रोमांटिक सॉन्ग से इतने अच्छे अच्छे। जी इनका पूरा बेस मतलब एक्चुअली स्पाइनल कार्ड है समझिए हमारा, प्रेम कथा सर हमारी फिल्म का स्पाइनल कार्ड है वो, उसको तो मुझे या वो लव स्टोरी पूरी लव स्टोरी। सर ग्रीफ तो यही है कि सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि एक बायोपिक के लिए हम म्यूज़िक करें। आजकल आप देख रहे हैं कि फिल्में जो हैं वो किस तरह से चल रही हैं और नहीं भी चल रही हैं, कंटेंट जिसमें नहीं होता उसमें चाहे बड़े से बड़ा स्टार भी हो तो वो फिल्में मार्केट में अच्छा नहीं कर रही हैं। तो आई थिंक ये एक रियलिस्टिक फिल्म है और जितनी भी अब तक रियलिस्टिक फिल्में आई हैं वो सारी कॉन्टेंट वाइज बहुत चली हैं, चाहे वो मिल्खा साहब की फिल्म रही हो या अभी अगर लेटेस्ट आप ये टॉयलेट प्रेम कथा भी देखें तो बड़ा ही रियलिस्टिक फिल्म है और उसकी भी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही है। तो पब्लिक वांट्स कंटेंट, स्टार तो लोग अट्रैक्शन करता ही है, स्टार उनका अट्रैक्शन रहता है, बट अगर फिल्म में कंटेंट नहीं है तो मज़ा नहीं आता। और संगीत का जहां तक बात है, आई थिंक संगीत इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी फिल्म, चाहे वो एक बायोपिक हो, चाहे वो एक कमर्शियल प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कॉमेडी हो। तो हमने तो हर जॉनर में काफ़ी गाने किए हैं, हमने मन में रोमांटिक गाने किए, ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्म में मस्ती के गाने किए, छिल गए नैना हमारा गाना NH10 में अनुष्का शर्मा जी की एक्शन फिल्म में भी आया और हिट हुआ। सो दिस इज़ वेयर वी लव टू डू वर्क, वेयर यू नो जहाँ हमें भी कुछ नया करने का मौका मिलता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, और ये फिल्म के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जोन में हम लोगों को मौका मिलेगा। एंड वी आर श्योर कि हम बिकॉज इसमें मज़ेदार ये है कि जैसे सर ने अभी जो एक आपको बताया है कि इसमें लव स्टोरी का एंगल भी है, इसमें छोटी छोटी उनकी नोक जोक्स भी हैं, तो पूरा स्कोप है म्यूजिक एक बेहतरीन म्यूजिक स्कोर खड़ा करने का। ओके बायोपिक की बात कर रहे हैं, जब उनकी प्रेम कथा चल रही होगी या प्रेम कहानी तो 80 का दशक होगा मेरे ख्याल से। जी जी, तो क्या 80 के दशक का संगीत उस तरह का कुछ देखने को मिलेगा? एक्चुअली मैं वही कहना चाहूंगा कि हाल ही में कई म्यूजिक डायरेक्टर्स आ गए हैं इंडस्ट्री में, एंड लेकिन मैं उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं कहता, मैं उन्हें कंपोजर्स कहता हूँ। तो जो कंपोजर्स होते हैं उनके पास रेडी गाने होते हैं, कोई रोमांटिक गाने होते हैं, कोई आइटम नंबर्स होते हैं, कोई डांस के गाने होते हैं, तो वो गाने ऐसे होते हैं जो कई कई फिल्मों में लग जाते हैं और वो गाने हिट भी हो जाते हैं और कई गाने नहीं भी चलते हैं। बट म्यूज़िक डायरेक्टर जो एक टर्म है उसमें ये वर्ड डायरेक्टर इतना ज़रूरी है क्योंकि संजीव दर्शन हैव ऑलवेज बीन द डायरेक्टर्स म्यूज़िक डायरेक्टर, कि जो कहानी चाहती है, जो सिचुएशंस चाहती है, जो फिल्म का एक ग्राफ होता है, जैसे आपने कहा कि 80 के दशक का अगर म्यूजिक होगा तो म्यूजिक डायरेक्टर का ये काम होता है कि उसमें झलक होनी चाहिए 80 के दशक की, चाहे वो कंपोजिशन में हो, चाहे वो राइटिंग में हो संजीव जी की। तो अभी हमारा जो हम जो अभी हार्डवर्क करेंगे वो ये होगा कि किस तरह हम इस फिल्म के लिए करेक्ट म्यूजिक क्रिएट करें। कॉपी ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में डैडी को तो बहुत डैडी को तो हर गाना पहले जब कंपोज होता है तो डैडी को सुनाया जाता है और डैडी का कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई एक कमेंट आ जाता है तो बहुत स्ट्रिक्टली हम उसको फॉलो करते हैं एंड डैड ऑलवेज अप्रिशिएट करते हैं हम लोग जो भी बनाते हैं। बट येस, एज फार एज म्यूजिक डायरेक्शन इज कंसर्न, हमें बहुत अच्छा ये सीखने मिला डैड से। आनंद बख्शी साहब ने हमें एक दिन कहा था कि बेटा अगर आप म्यूजिक बना रहे हो तो फिल्म की रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से म्यूजिक बनाओ, तो वो म्यूजिक सदा बाहर रहेगा, वो म्यूजिक लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो वही हमारी कोशिश। एक्चुअली हुसैन साहब मेरे मतलब 15 साल से दोस्त हैं और अगर आप 15 साल तक किसी के साथ हो तो आप समझ जाते हो कि एक्चुअली उनके मन में क्या है या जो कहानी उन्होंने बनाई है वो कहानी कहना क्या चाहती हैं। तो हम लोगों की बॉन्डिंग तो इतनी अच्छी है कि ये जो स्टोरी नरेट करते हैं जब ये शुरू करती हैं या जब से इन्होंने प्लानिंग किया,
मैं तब से एक्चुअली वो किरदार, वो स्टोरी, वो कहानी इनके साथ में एक्चुअली जी रहा हूँ। और मुझे बड़ा मज़ा आता है कि जब आप करेक्टर के, जब आप सिचुएशन के हिसाब से कुछ अगर गीत लिखते हो तो आप कुछ नया लिखते हो, अदरवाइज ऑर्डनरी आप बहुत कुछ लिख सकते हो। पर ये फिल्म के लिए हम लोग की कोशिश है कुछ भी ऐसा ऑर्डनरी ना हो, जब लोगों के सामने आए तो लगे कि यार ये चीज़ें जो हैं पहली बार ऐसे थॉट, जैसे म्यूज़िक का संजीव दर्शन जी ने बताया, डायरेक्टर साहब ने अपनी फिल्म का बताया, एज ए लिरिसिस्ट मेरी हमेशा कोशिश इसके लिए इसमें यही रहेगी कि थॉट ऐसा है आप सबको लगेगा कि यार ये थॉट 80 के दशक के ज़माने के बीच में से अगर किसी ने जो बो दिया या पैदा या उगा दिया तो अपने आप में वो बिल्कुल नया नया सा लगे। वो हमारी कोशिश होगी इस फिल्म के लिए डायरेक्टर साहब के साथ और संजीव दर्शन जी के साथ बैठ करके कि वो म्यूज़िक आप सबको लगे कि वाह ये म्यूज़िक हम लोग को चाहिए। गीत एक ऐसी चीज़ होती है सबसे पहले आत्मा को छूता है, और ये भारत में बड़ा फिक्स है या पूरी दुनिया में ऐसा होता होगा, जब आप तकलीफ में होते हो या अकेले में होते हो तो आप लिरिक्स को सुनना पसंद करते हो, फिर आप गीत को नहीं, आप संगीत नहीं सुनते हो। अगर आपका कोई गीत पसंद यानी लिरिक्स पसंद करना लोग शुरू कर दें तो वो आपकी एक मतलब प्लस पॉइंट है कि आपके गीतों को लोग समझना शुरू करें कि अरे इस गीत का मतलब ये था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये गीत भी एक्चुअली लोगों के दिमाग में और दिल पर छाए कि यार इस गीत का ये मतलब और बड़ा खूबसूरत है और हमको मज़ा आया सुन के। इधर ओके, मेरा आखिरी सवाल नकवी साहब से, नकवी साहब जैसे आपने कहा कि उनकी जीवनी पे पूरी फिल्म आधारित है, तो क्या उनको बीजेपी में भी दिखाया जाएगा या सफर दिखाया जाएगा, एसपी में थे, कांग्रेस में थे, फिर यहाँ पर? हाँ, इसमें मायावती का भी करेक्टर है, मायावती का एक करेक्टर है, क्योंकि मायावती के पार्टी में ये कैबिनेट मिनिस्टर थे तो उनका भी मैंने वो पूरा एक भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ा है उनकी लाइफ का, और वो पूरा मुझे दिखाना है फिल्म में। मेरे ख्याल से मोदी जी का तो जहाँ तक थोड़ा बहुत तो, कि भाई पार्टी तो वही है, पार्टी तो बीजेपी ही है ना जो आज वो है इस वक्त पे पावर में है, मोदी जी की पार्टी है, बीजेपी तो मोदी जी की पार्टी है, तो उसमें तो उनका होना तो ज़रूरी है कि भाई वो तो मेन बॉस है, प्रमुख है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। मैं थोड़ा एक मैसेज था हमारे नंदी जी का, नंदी जी मतलब उनके जीवन में एक बड़ा अच्छी बात है कि उन्होंने गरीबी भी देखी है और आज बहुत रिच हैं वो, लेकिन अभी अपने आप को रिच नहीं समझते, वो ज़मीन पे सोते हैं, ज़मीन पे पुराने से गद्दे पे मैंने उनको देखा है टेरिस पे सोते हुए, आज भी वो वैसे ज़मीन से छुले हुए हैं, ज़मीन टच है वो, उनको कहीं कोई घमंड नहीं है, वो कोई प्राउड फील नहीं करते कि वो इतने बड़े रिच हैं, नंदी राइस मिल इतना बड़ा उनका इनकम, मतलब इतने बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनको ये नहीं लगता कि मैं वो हूँ, और बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये कि इनका एक और मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं, लड़कियों की शादी कराना है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जात के पासी हो या छोटी जात हो या दलित हो, वो उनमें कुछ नहीं है, वो ये चाहते हैं कि किसी की हेल्प कर सकें हम, किसी की मदद कर सकें, आज भी उनके दिल में यही भावनाएं हैं और बिल्कुल सिंपल सादे से हैं, कोई घमंड नहीं है, ईगो नहीं है उनमें। ओके, क्या उनके जो जानलेवा हमला हुआ था उसको भी दर्शाया? बिल्कुल दर्शाया जाएगा, क्यों नहीं, आईडीएक्स का उनके ऊपर अटैक हुआ था जिस वक्त ये कैबिनेट मिनिस्टर थे मायावती सरकार में, उस वक्त पे हुआ था उनके ऊपर हमला, जबकि बिल्कुल बताया जाएगा, क्यों नहीं बताया जाएगा कि इसके पीछे क्या था क्या नहीं था, कौन लोग हैं, कैसा क्या है, वो जो सब है वो तो जो जहाँ तक कानून में बातें हैं वो तो दिखाएंगे ही ना हम। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। पीछे एक सेकंड सर।
अब थैंक यू ओके थैंक यू सर यहाँ पे सर दादा सर सेंटर सर सेंटर लुक सर क्या बात है थैंक यू सो मच एक मिनट Sir, center here, sir. Thank you. Thank you. Come close. Yeah. Look here, please. Center. Look here. Thank you. Excuse me. Look here, please. Thank you. आ जाइए साइड प्रोपर डिस्क्लोज नहीं किया है ये हमारी नंबर फिल्म है बिग स्टार के साथ में पैरेलल लीड कर रहे हैं इनका नाम है अथर सिद्दीकी और इनका मैं तो आपका नाम ही भूल जाता हूँ यार कभी कभी मिलती है इसका नाम ही बहुत टेढ़ा है रेनेहा आप लोग इनको एक अगली फिर होगी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें आप खुल के मिलेंगे इनसे फिलहाल ओके थैंक यू
हाय दिस इज नौफल खान बॉलीवुड एक्टर एंड आई हैव डन 5-6 फिल्म्स जो कि रिलीज हो चुकी हैं अभी कुछ फिल्में और हैं जो कंप्लीट हैं 5-6 फिल्म्स मोर कंप्लीट हैं बाकी हुसैन जी के साथ अभी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने सुनाया था मुझे एंड आई लव टू वर्क विद हिम बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू मी या दिस प्रोजेक्ट्स जो मैंने कहा जैसे कि हुसैन जी मेरे काफ़ी करीब हैं जब उन्होंने मुझे सब्जेक्ट सुनाया था तो सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आया और मैं आई एम ईगरली टू वेटिंग टू स्टार्ट दैट फिल्म्स एंड आई लव द कैरेक्टर्स ऑफ माइन बट कैरेक्टर्स या कोई भी स्केच अभी नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जब तक खुल जाए तभी ओपन होना ज़्यादा अच्छा होता है या अभी मेरी 6 फिल्में कम्प्लीट हैं जो कि रिलीजिंग पे हैं तेरी फितरत धमाल पे धमाल ओनली फॉर यू पॉइजन अनफ्रेंड एंड वन मोर facebook.com एंड वन मोर रिश्तों की संधि 5-6 फिल्में हैं जो कम्प्लीट है इंशाल्लाह अभी 2-3 फिल्में साइन की हैं लाइक हुसैन साहब के साथ फिल्म कर रहा हूँ अभी मुझे रिसेंटली महाराष्ट्र रत्न अवार्ड मिला और ग्लोबल अचीवर अवार्ड मिला है मुझे थैंक यू सो मच ओके हाय एवरीवन आई एम अथर सिद्दीकी एंड I'm glad to be the part of this project, Nandi. It's a biopic and I'm playing the parallel lead in the movie. And it's been a great pleasure, actually. I'm on sky high, you can say. The thing is that I'm a TV actor. People know me by my face, but after doing this project, with God's grace, I know, they will know me by my name also. Yeah. Yeah, hi, I'm Reneha Arya. And I'm from Nainital, and yes, I'm part of TV industry and modeling also. And yes, I'm also the part of this project, Nandi, as a parallel lead actor. And I'm very happy to be part of this project. Thank you so much. Yeah, the director is really nice. We don't have any kind of a relation. We don't actually relatives kind of. They just like my work. They offer me this movie, and now I'm the part. And selected us through an audition. Yeah. Anything else you would like to add? Yeah, I'm just giving my best wishes for this project. Coming soon. And we are glad to be the part of this movie. Thank you so much. Enjoy. Good night. नमस्कार मेरा नाम नवीन कुमार शाह है और मैं इंडस्ट्री में 14 साल से हूं जिसमें कि 40 से ज़्यादा बड़ी पिक्चरें कर चुका हूं जिसमें 30 मार खां जोकर शैतान क्रेजी फॉर अल्लाह के बंदे निगेबान और मैं पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर हूं जिसमें काफ़ी सारे मैंने ऐड किया और आप लोग ने देखा भी होगा और मैं नंदी मूवी में कॉमेडी का रोल प्ले कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जैसे मुझे 30 मार खां में लाइक किया है और इसी तरह आप नंदी में भी लाइक करेंगे मैं के हुसैन साहब और नंद गोपाल नंदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि नंदी सुपर डुपर हिट मूवी हो और उनका आशीर्वाद हमेशा बने रहे धन्यवाद हाँ बोलिए हम भी आपको
शांताकारं भुजेशायनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं वत्सेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं गमनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभैरं सर्वलोकैकनाथं श्रीकृष्णं Say it.